उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई भी तीखी होती जा रही है। बीजेपी ने आज समाजवादी पार्टी को दंगाइयों की पार्टी बताया तो पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त कराने का दावा किया। अब पहले चरण के मतदान में 3 हफ्ते का वक्त रह गया है और यूपी की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश में नेताओं के बीच भगदड़ मची है। किसी का टिकट कट रहा है तो किसी को दूसरे दल में टिकट ऑफर हो रहा है। चुनाव कुछ हफ्तों की दूरी पर है और उम्मीदवारों की लिस्ट भी एक एक कर बाहर आने लगी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ मच गई है। वैसे तो यूपी में चुनावी मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन अब यहाँ की राजनीति दंगा और दंगाई पर आकर टिक गई है। पहला तीर बीजेपी ने चलाया। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून चरंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। सीट नंबर 1 जो है वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। अनुराग ठाकुर ने तंज उस वक्त कसा जब सीनियर आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार को ही जेल से छूटे हैं और बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कितने बेगुनाहों को मार दिया, ऐसे ही कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। वहीं नाहिद हुसैन को समाजवादी पार्टी ने कैराने से अपना उम्मीदवार बनाया है और फिलहाल वो जेल में बंद है। ये वही कैराना है जहाँ से हिंदुओं का पलायन हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता रहा है। जाहिर है इस आरोप से समाजवादी पार्टी का तिलमिलाना लाजमी था। सो अखिलेश ने बीजेपी के हमले का जवाब कुछ ऐसे दिया। ये हम सब लोग जानते हैं, इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। 107 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बीजेपी और समाजवादी के बीच का फर्क बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है, जिसका अखिलेश अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिकार कर ये दावा कर रहे हैं कि यूपी में 80% उनके पक्ष में है। कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ क्यों नहीं पा रहे बात को? तो बताओ, 100 में 100 है हमारे साथ कि नहीं है? ऐसे में बीजेपी विवादित नामों को आगे कर सीधे अखिलेश यादव पर हमला कर रही है। वैसे भी पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होना है,
जहां चुनाव में जबरदस्त ध्रुवीकरण होता रहा है। ऐसे में बीजेपी ने दंगा और दंगाई का जिक्र करके पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।